फ्रेंड्स, मैं विदिका, माय ब्यूटीफुल गार्डन से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ये गुटलेक प्लांट के ऊपर है। इसका बॉटनिकल नेम कॉरीलाइन है, वैसे गुटलेक प्लांट किया बोला जाता है इसे। तो आज की वीडियो में मैं इस प्लांट की केयर के बारे में और वैरायटी कौन कौन सी होती है, इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में कैसे रखा जाता है और डायरेक्ट सनलाइट में इनडोर और आउटडोर दोनों टाइप के प्लांट्स हैं, तो सारी बातें मैं इस वीडियो में बोलूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर जो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको गुड लक प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मेरे पास वैरायटी है, ये फर्स्ट वैरायटी है देखिए, और ये सेकंड वैरायटी है गुड लक प्लांट की, और इधर ये थर्ड वैरायटी है। तो सारी वैरायटियों के बारे में, ये थर्ड प्लांट है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही सुंदर है। तो तीन वैरायटी है, तो मैंने तीनों वैरायटी आपको दिखा दिया है फ्रेंड्स। तो मैं सोच रही हूँ एक बार नर्सरी जाऊँ और कोई इसी वैरायटी मुझे मिल जाए तो वो भी मैं परचेस करूँ, क्योंकि ये गुटलक प्लांट ऐसा है प्लांट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसकी केयर बहुत कम की जाती है। और एक प्लांट अगर आप घर में लगा दिए तो उससे आप बहुत सारी प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने एक प्लांट से देखिए कितने सारे प्लांट तैयार किया है। और ये पीछे एक प्लांट है बहुत बड़ा, उसे भी मैं दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट वीडियो इसकी कटिंग से कैसे ग्रो की जाती है तो मैं वो बताऊंगी, तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को। तो ये तीन प्लांट है मेरे पास, तीन वैरायटी के प्लांट है फ्रेंड्स, और इनकी जो पत्तियां होती है वो बहुत शाइनिंग करती है और रेड में निकलते हैं फ्रेंड्स। और एक बात, इनको धूप में रखने से और इंडोर रखने से दोनों प्लांट में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे मैं ये प्लांट मैंने इसे इंडोर में रखा था, तो देखिए इनकी जो पत्तियां हैं थोड़ी सी ग्रीन में निकलती है, ज्यादा डार्क ग्रीन में, और जिसे मैं धूप में रखी थी आउटडोर, ये देखिए उनकी पत्तियां कैसी होती है, थोड़ी सी डार्क रेड में होती है ये। और इस प्लांट को मैं जैसे हफ्ते में एक दिन धूप में जरूर रखती हूँ। तो धूप में रखने का भी एक रूल है फ्रेंड्स, कि आप जो आपके इंडोर प्लांट्स होते हैं उसे आप कभी भी धूप में रखिए, तो मॉर्निंग में नहीं निकालिए उसे, उसे आप नाइट में निकाल के बाहर रख दीजिए और पूरी रात वो जब बाहर के टेम्परेचर में रहेगा तब मॉर्निंग की सनलाइट उसे दीजिए आधा घंटे की। अगर डायरेक्ट आप दोपहर में या डायरेक्ट ही मॉर्निंग में निकाल के आप उसे धूप लगा रहे हैं तो उनकी पत्तियां खराब हो सकती है। जैसे ये देखिए ये जल जाते हैं, वैसे ये तो मेरे सूख गए हैं, पुरानी पत्तियां हैं तो इनको मैं निकाल दूंगी। तो ये बात होती है फ्रेंड्स। और जो मैंने फुल सनलाइट में रखा वो प्लांट में दिखा देती हूँ, ये मैंने पीछे रख रखा है देखिए, इसे ये 5-6 साल हो गए फ्रेंड। तो यही से मैं कटिंग लेके सारे प्लांट तैयार करती हूँ और ग्रो करती हूँ, और ये प्लांट मेरा बहुत बड़ा है। और एक बात फ्रेंड्स, अगर गुटलक प्लांट को आप ग्राउंड में लगा रहे हैं तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, वैसे आप अगर गमले में लगा रहे हैं तो भी ये बढ़ जाते हैं जैसे मैंने दिखा दिया आपको। तो ये देखिए इसे धूप में रखने का क्या असर होता है, धूप में इनकी कलर थोड़ी सी रेड ज़्यादा होती है और पत्तियाँ भी देखिए कितने चौड़े चौड़े से होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। और वैसे बोलते हैं फ्रेंड्स इसमें फूल निकलते नहीं है, लेकिन मेरा जो ये प्लांट है क्योंकि 6-7 साल हो गए तो इसमें दिसंबर में फूल निकलते, इसमें छोटे छोटे से फूल होते हैं उसके, और बीज भी होते हैं। शायद मैं कभी दिखाऊंगी अगर दिसंबर में इनके इस साल आ जाए तो मैं ज़रूर वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि इनके फूल कैसे होते हैं और इनके बीज कैसे होते हैं। तो ये बात होती है कि अगर आप धूप में रखेंगे तो कलर ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स। इसकी एक कटिंग मैंने लास्ट ईयर इस पॉट में लगाया था, वो भी दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए इस पॉट में मैंने लास्ट ईयर कटिंग लगाया था, तो कितना हेल्दी सा प्लांट है और कितना सुंदर है, और इनकी पत्तियां देखिए रेड में है, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए इसकी थोड़ी सी केयर के बारे में बोल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, इसकी केयर बहुत कम की जाती है, जैसे आप इंडोर और आउटडोर दोनों रख सकते हैं। और मैंने दोनों प्लांट आपको दिखा दिया जो मैंने इंडोर में रखा, ये मेरा इंडोर वाला प्लांट है। तो एक टाइम मैं जरूर इसे धूप देती हूँ और नाइट को निकालती हूँ, ताकि उसके बाद मैं मॉर्निंग की सनलाइट इसे दे देती हूँ, डायरेक्ट सनलाइट में रखती नहीं हूँ। और ये जो 3-4 मेरे प्लांट हैं ये आउटडोर वाले प्लांट हैं, तो मॉर्निंग की सनलाइट मिलती है इनको,
तो ज्यादा इसकी केयर करने की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स जो आप इंडोर में रखते हैं प्लांट, उनकी सॉइल ज्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडोर में धूप कम मिलती है इनको। तो जैसे देखिए मेरी सॉइल ड्राई है, तो मैं इसे हफ्ते में एक दिन पानी देती हूँ और रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और जब मैं बाहर लाती हूँ तभी इनको पानी देती हूँ। और जो बाहर के प्लांट्स पानी बहुत ज्यादा पसंद है, तो ओवर वाटरिंग भी मत कीजिए, ओवर वाटरिंग से फिर इनकी जो जड़ें हैं वो गल जाएगी फ्रेंड्स। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए, जब आपकी सॉइल ड्राई हो जाए तो आप दे दीजिए। वैसे इनको पानी हफ्ते में दो दिन या तीन दिन देने से चल जाता है। ये बहुत अच्छा प्लांट है, खुश रहता है बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स इनको फर्टिलाइजर बहुत कम पसंद है, जैसे मेरे प्लांट देखिए कितने हेल्दी है, बट मैं इसमें फर्टिलाइजर साल में दो बार या तीन बार ही देती हूँ, बहुत कम फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ। क्योंकि ये प्लांट ऐसा प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, इनमें पानी भी बहुत कम चाहिए होता है, सनलाइट भी बहुत कम चाहिए होता है और फर्टिलाइजर भी। तो आप दो या तीन बार फर्टिलाइजर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो गुड लक प्लांट को फ्रेंड्स, आप आउटडोर और इंडोर भी रख सकते हैं। इंडोर में आप अपने रूम में लगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, जिससे सुंदरता बनी रहे। तो ये अपनी पत्तियों की वजह से ही खूबसूरत दिखता है फ्रेंड्स, इसीलिए सभी इनको पसंद करते हैं। और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, क्योंकि इनको पानी भी बहुत कम चाहिए होता है और फर्टिलाइजर भी और धूप भी कम चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स अगर धूप में रखेंगे तो इनकी पत्तियों का कलर चेंज होता है, और इंडोर में रखेंगे तो भी पत्तियों का कलर चेंज होता है, और आउटडोर रखेंगे तो भी पत्तियों का कलर चेंज होता है। मैंने तीनों दिखा दिया, ये मेरे धूप वाला प्लांट है, और ये जो मैं इंडोर में रखती हूँ, और ये मतलब तीन चार घंटे की धूप मिलती है तो इनका कलर ऐसा है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आप ये गुड लक प्लांट जरूर लगाइए। और गुड लक प्लांट को देने से भी गुड लक आता है, तो मैं तो देती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके पास हो तो आप भी कटिंग अपने पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों में जरूर गिफ्ट कीजिए। तो ऐसी नई नई वीडियो लेके आऊंगी, और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो इसे मल्टीप्लाई कैसे की जाती है वो बताऊंगी, तो जरूर देखिएगा वो वीडियो आप। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक्स।